हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में आज हम यूपी ट्रिपल एससी के पहले के एग्ज़ाम में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन रिलेटेड होगा मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, पत्थर को जोक नहीं लगती। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहंगम दृष्टि मतलब इस मुहावरे का अर्थ होगा सरसरी नज़र। और ये सारे क्वेश्चन जो डिस्कस किए जाएंगे वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटो तो खून नहीं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर होगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। एक आंख ना भाना, इसका आंसर होगा बिल्कुल अच्छा ना लगना। पांचवा प्रश्न है, उंगली उठाना, इसका आंसर होगा दोष की ओर संकेत करना। प्रश्न 6, लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं। इसमें गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन करिए। गलत वालों का चयन करना है तो पहला है, आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन, ये सही है। नेक्स्ट, 3-13 होना, संगठित होना है, ये गलत है, इसका आंसर ये नहीं होगा। सी है, एक टकसाल के ढले हैं मतलब सब एक जैसे हैं। चौथा, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। इस क्वेश्चन में पहला, तीसरा और चौथा सही है, ये गलत है। 3-13 होना लोकोक्तियों का अर्थ होता है भाग जाना होता है, ना कि संगठित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा दुर्लभ वस्तु। क्वेश्चन नंबर 8, खाला का घर का अर्थ है, इसका आंसर होगा आसान काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ बताना है, इलायची बांटना, इसका अर्थ होगा दावत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछिया का ताऊ का अर्थ है, इसका अर्थ होगा अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी के। नेक्स्ट, अंधेर नगरी का अर्थ है, इसका आंसर होगा अन्याय की जगह। क्वेश्चन नंबर 11, गदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, और ये पर्यायवाची हैं पंकिल। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्याख्या, गदला मैला मलिन पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं, धवल के पर्यायवाची हैं सफ़ेद उजला श्वेत शुभ्र और उज्ज्वल आदि, पामर के पर्यायवाची हैं खल दुष्ट अधम नीच शठ दुर्जन कुटिल धूर्त आदि। 13 क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, मंदाकिनी है भागीरथी है सुरसरिता है कालंदी नहीं है। कालंदी होता है यमुना का पर्यायवाची, ये आप पढ़ लीजिए, गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी भागीरथी एंड यमुना के पर्यायवाची, ये बहुत बार गंगा के पर्यायवाची पूछा गया है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे को का विकल्प आपको चुनना है उचित। कूप मंडूक होना का अर्थ है, इसका अर्थ होगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी का चीर का अर्थ है,
इसका अर्थ है कभी ना समाप्त होना। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, इसका अर्थ होगा ना समझ को उपदेश देना। ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर होगा राह भूल जाना। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। जस दुल्हा तस बनी बाराता, कहावत का अर्थ है, इसका अर्थ होगा जैसे खुद वैसे साथी। क्वेश्चन नंबर 19, शैतान की आंत, इस मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। मुंह की खाना, इसका आंसर होगा हार जाना। डपोर शंख, इसका आंसर होगा बे सिर पैर की बातें करने वाला। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, इसका आंसर होगा काम निकलने के बाद सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का शहजादा का अर्थ है, इसका अर्थ होगा अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ है, इसका अर्थ होगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ है, मतलब अकारण प्रिय होना। 26वां क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ होगा महामूर्ख। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग जाने खग की भाषा, इसका आंसर होगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। 28वां क्वेश्चन, आँख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी भरना। 29वां क्वेश्चन है, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है, इसका अर्थ है सबसे निराला। 30वां क्वेश्चन, कट जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। आठ कनौजिया नौ चूल्हे, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, क्वेश्चन पूछा गया है, इसका अर्थ होगा अलगाव की स्थिति। लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ चुन के बताना है आपको 32 और 33 वाले क्वेश्चन में। तो 32वां है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका आंसर होगा बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। 33वां क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बहुत इजी है, इसका आंसर होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। 34वां क्वेश्चन, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका आंसर होगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। 35वां क्वेश्चन है, जूते चाटना, 35वां क्वेश्चन है जूते चाटना, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा खुशामद करना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित आ चुके हैं। थैंक यू। अगला वीडियो हिंदी पे किसी और टॉपिक पर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।